राम सिंह जब राजा बना तो राम सिंह छोटा था, ताबर था राम सिंह। तो पहले क्या होता कि जब भी राजा बनता, राजा यदि छोटा होता तो उसकी मम्मी वगैरह शासन संभालती। हमने पढ़ा था राजमाताएं शासन संभालती थी। पर जब अंग्रेज आ गए थे ना, अंग्रेजों के आने के बाद यदि कोई छोटा राजा बनता तो अंग्रेज खुद संभालते। अंग्रेज कहते हम देख लेंगे। तो अंग्रेजों ने अपना एक बंदा यहां पे भेज दिया, जॉन लुडलो। क्या नाम था बोलो, देखे दोबारा बोलो नाम, जॉन लुडलो। किसका संरक्षक था? राम सिंह। बहुत भला सीधा, इतना अच्छा सज्जन आदमी था जिसकी कोई हद। बहुत अच्छा गोरा था बेचारा। इसने जयपुर में सती प्रथा पे रोक लगाई, जयपुर में समाधि प्रथा पे रोक लगाई, जयपुर में कन्यावध बंद किया, जयपुर में मानव व्यापार पे रोक लगाई। किस किस पे रोक लगाई बताओ? सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध। मैं बता देता हूं क्या होता है। सती प्रथा तो आप जानते हो, पति के मरने के बाद में पत्नी उसके साथ सती हो जाती है। तो क्या हो गई? सती प्रथा। मैंने कहा था कि सवाई जय सिंह के टाइम से कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, पर कानून कोई राजा के टाइम में बना था तो राम सिंह। कानून कौन से राजा के टाइम बना? कौन से अंग्रेज अधिकारी ने कानून बनाया? अधिकारी पूछ ले कि जयपुर में सती प्रथा पे कानून बनाने वाला अधिकारी कौन था? लुडलो। और पूछ ले राजा कौन था? तो राम सिंह। बात समझ। ये तो क्या हो गई? सती प्रथा। क्या हो गई? सती। समाधि क्या होती थी? हिंदुओं में ऐसा रिवाज था कि कोई बुजुर्ग महापुरुष टाइप के जो लोग होते वो जब अंत समय अपना नजदीक आता उनको लगता है अब मृत्यु नजदीक है, तो खड्डा खोदो, खड्डा खोद के अंदर बैठ जाते, बंद कर दो। ये समाधि है। ये क्या है? व्यक्ति जीवित ही अपनी मृत्यु का प्राप्त कर लिया करता था, इसको क्या बोलते थे? समाधि। अंग्रेजों का इसको सुसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजों का आज के बाद यदि किसी ने समाधि ली तो उसको तो पकड़ेंगे। जिसने वो समाधि दिलवाई थी उनको और पकड़ के लेके जाएंगे। तो समाधि प्रथा खिलाफ कानून कौन लेके आया था? जॉन लुडलो। क्या नाम था? लुडलो ने कहा भाई आज के बाद कोई भाइयों को मरेगा नहीं रहे। क्या तरीका है? भाइया होते ही तुम पानी गर्म करने लग जाते हो इधर। आज के बाद में कोई भी भाई भी किसी घर में तो उसको मारोगे नहीं। तो कन्यावध पे जयपुर में रोक किसने लगाई? किसने लगाई? तो लड़कियां सारी जोर से बोलो जॉन लुडलो जिंदाबाद। बोलो देखे जॉन लुडलो। अरे जोर से किसके जिंदाबाद के नारे लगाने? जॉन लुडलो। बोलो नाम जॉन। अच्छा, उसने मानव व्यापार पे भी रोक लगा दी। किस पे रोक लगा दी थी? मानव व्यापार का मतलब है आर्टिकल 22 है 23 है? 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला आर्टिकल कौन सा? 23 है ना। 22 तो डिटेंशन वाला वो है, 23 वाला कि आप जबरदस्ती किसी को भी नौकर जबर या खरीद के भी, खरीद के नहीं ला सकते आप किसी भी आदमी को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते। तो ये आदमी कौन था? इसने चार प्रथाओं पे रोक लगा दी। जॉन लुडलो। क्या नाम था? कौन कौन सी प्रथाएं बताओ? सती, समाधि, कन्यावध और मानवध। लड़कियों को किसका नाम याद रखना चाहिए सबको? जॉन लुडलो। पर लड़कियों देख लो तुमसे लुडलो बोला नहीं जा रहा, नहीं बोला जा रहा ना। लुडलो बोलने में जीभ पलटती नहीं है, लुडलो ये जोर आता ना लुडलो बोलने में। तो जयपुर के लोगों से तो लुडलो एकदम ही नहीं बोला जाता, पर जयपुर के लोगों को अच्छा बहुत लगता था लुडलो। तो जयपुर के लोग कहते माँ को लाडू जी छे, माँ को लाडू जी छे। तो लुडलो का नाम क्या निकाल दिया था जयपुर वालों ने? लाडू जी। तो लाडू जी किन किन पे रोक लगा गया था? सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध। कौन रोक लगा के गए? लाडू जी। कौन लगा गए थे? लाडू जी का पूरा नाम क्या था? जॉन लुडलो। नहीं आ रहा ना नाम? लुडलो लुडलो ऐसे जीभ पलट नहीं रहे। बोलो तो बोलो जॉन लुडलो जिंदाबाद। जोर जोर से जिंदाबाद जिंदाबाद। जॉन लुडलो, जॉन लुडलो। आप बोलो जॉन लुडलो, मैं बोलूंगा जिंदाबाद, क्योंकि मेरे को तो आता है बोलना, आपको नहीं आता। जोर से बोलो, मैं बोलता हूँ जिंदाबाद, आप कहना जॉन लुडलो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार आपसे नाम नहीं लिया जा रहा। एक आदमी अपने लिए कितने प्रयास करके गया और अपने से नाम याद नहीं हो रहा। थप्पड़ मारो खुद के सारे। बोलो जॉन लुडलो सॉरी। बोलो जॉन लुडलो सॉरी कि हम तेरा नाम नहीं ले पा रहे हैं। आज से हम तेरे को क्या कहेंगे? लाडू जी। क्या कहेंगे? तो माँ को लाडू जी छे, माँ को लाडू जी। जॉन लुडलो कौन से राजा के टाइम में था? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के टाइम में कौन था? जॉन लुडलो। चलो।